खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विसाखी खालसा पंथ का जन्म तिहार है। हूँ तो 319 साल पहला इसी दिन दसवें पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दस गुरु साहबान की पावन सिक्ख्या के कार्यक्रमाए अंतिम रूप दिता सी। उन्हें दरबार की ताकत परख के पंच प्यारिया की चोण की उन्होंने नेवली हेठ खालसा पंथ की स्थापना की। सतगुरां की इस महान कार कमाए का जस करदिया भगतदास जी इस तरह बयान करते हैं, निष्पक्ष चलाए खालसा तर तेज करावा। केसगढ़ साहिब के खुले स्थान के विशेष तौर पर सजाए गए दीवान में दूरों ने जो आया सिख संगत का समुद्र था ठा मार लिया। इस मौके पर स्टेज से आके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक डिस्चार्ज प्राप्त किया। दीन धर्म की राखी में अपने सिखां के सिरां की मांग कर लगे अपने महबूब सतगुरां के पावन मुखार बिंद तो सीस की मांग सुन के गुरु प्यारे ने जा चल गया। बारों बार पंच सुर में संत सिपाही उठे अते उन्होंने अपने सीस सतगुरां नूं भेटा कर दिते। इन्हां सी भेटा करन वाले सुरबीरां नूं सतगुरां ने अपने पंच प्यारे आख के नवाजिया। इन्हां पंचां नूं फिर पंचकार स्वरूप नाल शिंगारिया गया। इह पंचकार केस कंगा किरपान ते कछेरा केवल दिखावे दे चिन्ह नहीं। इन्हां विचों हरेक कार खालसे दे आत्मिक ते सदाचारिक गुणां दा प्रतीक है। सच धर्म दिशा तों आपां वारी वारी इन्हां पंचां सुरबीरां नूं सतगुरां ने अमृत दी दात बख्शी। इस प्रकार आत्मिक सदाचारिक गुणा न खालसे की शख्सियत वरसाई गई। उन्होंने खालसे संत सिपाही की उची सुची पदवी प्रदान की। इससे जीवन का उद्देश्य सतगुरु ने अपने जीवन नाल एक नेक कर दिता। धर्म चलावन संत उबारण दुष्ट सबन को मूल उबारण। इस प्रकार खालसा पंथ प्रगट होया। यह एक नवे युग की शुरुआत सी जिसने अगे जाके मनुखता के इतिहास में सही मोड़ देना सी। सतगुरां ने खालसा से जाके सिखां नूं सिंह बना दिता। उन्होंने अपना निश्चय रूप खालसा नूं बख्शिया। खालसा सतगुरां का खास रूप हो गया। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास। ये सिखी स्वरूप केवल पखावा नहीं, इससे पिछले बड़े उच्चे सुचे गुणा वाली रैणी बेणी कथनी करनी है। इस रूप सतगुरां की पावन सिक्ख्या का ही प्रगट रूप है। खालसे के आचरण में मुख तौर पर दो उच्चे सुचे गुणा का सुमेल हो गया। यह गुण हैं भक्ति के शक्ति के। खालसा भक्ति की दात नाल संत बणिया ते शक्ति की दात नाल सिपाही। इस प्रकार अनंत नाल जीना खालसे के जीवन का मूल मंत्र बन गया। यह अनंत कोई अहंकार की भावना नहीं बल्कि गुरु हुक्म अनुसार उच्चे सुचे आचरण जीवन का मान ते सत्कार है। खालसे का जीवन उद्देश केवल अपने जीवन परिवार कौम या देश की सुरक्षा और खुशहाली तक ही सीमित नहीं बल्कि वो सारी मनुखता में समर्पित है जिसे बातें पर लेगा आकांक्षी है। इतिहास गवाह है कि अत के बिखरे समय में कोई जुलमा सितमा तशद्दुदां दुख के तसीहे सहनिया ते मौत नाल जूझदियां भी खालसा अपने उच्चे सुचे उद्देशा की प्रेरणा देता आ रहा है। अपने महान विरसे नाल विसोया ते हरेक होनी नाल जूझदा खालसा समय समय दंगारा बड़ी दलेरी से चढ़ी कला मकबूलता आ रहा है। समय दूर उठदिया रहा हाँ पर खालसा अकाल फर्क से अपने सतगुरां का हुक्म मान के अपनी उच्ची सुची जीवन जांच से प्रेरणा देता अगे बढ़ता जाता है। सो गुरु के प्यारे कुछ मन पाए विसाखियो अपना अमोल विरसे संभालिए ते खालसे दे उच्चे सुचे जीवन अपनाओ विच देर ना करिए। पीवो पाहो खंडदार को जन्म सवेगा। खालसे दे निशान हमेशा झूलते रहे एक काफला अगे तो अगे बढ़ता जुड़िया जाए। असी सारे बच्चे एक प्रण करिए कि असी गुरु साहिबान दी सिख्यावां ते चलिए उच्चा सुचा जीवन जीणिया अपने विरसे नूं संभालांगे ते अपनी कौम धर्म ते अते देश का नाम उच्चा सुचा करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।